नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट को फिर से फजीहत का सामना करना पड़ा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफर ठुकरा दिया है। पीसीबी ने कोच बनने के लिए शेन वॉटसन को करोड़ों का ऑफर दिया था, लेकिन पूर्व कंगारू ऑलराउंडर ने इस ऑफर को खारिज कर दिया। हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच बन सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेन वॉटसन को 17 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेन वॉटसन शुरुआत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनने के लिए इच्छुक थे, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कुछ आर्थिक व अन्य स्थितियां रखी, जिस पर पीसीबी तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर प्रस्तावित पैकेज तैयार नहीं थे, लिहाजा उन्होंने कोच बनने के ऑफर को ठुकरा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आईपीएल के अलावा अमेरिका लीग में पहले से कॉन्ट्रैक्ट है, फिर वो अपने परिवार के साथ सिडनी में वक्त बिताना चाहते हैं। बहरहाल शेन वॉटसन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच सहमति नहीं बन पाई। बताते चले कि पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम नेशनल टीम के लिए विदेशी कोच की नियुक्ति करना चाहते हैं, जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप व अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के साथ रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेन वॉटसन के इनकार करने के बाद अब पूर्व पाकिस्तानी कप्तान यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक और मोइन खान के नाम पर विचार संभव है। तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर, पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।